तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के बाद ये पहला दौरा है प्रधानमंत्री का। कल वाराणसी को यानी आज वाराणसी को 1812 करोड़ की योजनाओं का परियोजनाओं का सौगात का पिटारा खुलने वाला है। 45 परियोजनाओं की सौगात देंगे, 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। करीब 4 घंटे का दौरा है और 3 जगह कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी विधानसभा चुनाव के लगभग 4 महीने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। लगभग 4-5 घंटे ही वहां पर वक्त बिताएंगे, लेकिन इस दरमियान वो 3 जगहों पर कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। पीएम मोदी एक जनसभा के दौरान 1812 करोड़ की 45 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और जानकारी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी आने के बाद सबसे पहले एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र फाउंडेशन के 62वें किचन का शुभारंभ करेंगे। पीएम यहां पर 20 बच्चों से संवाद भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके लिए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन है। इसके अलावा आपको बताएं कि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी देश के शिक्षाविदों के बीच अपनी बात रखेंगे। पीएम मोदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी जनसभा भी करने वाले हैं जिसमें 20 से 25 हजार लोग शामिल हो सकते हैं। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के साथ ही साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का जो आगाज है वो भी हो जाएगा, क्योंकि 24 को साधने की तैयारी अभी से हो गई है। और देखिए 4 महीने बीत गए हैं विधानसभा चुनाव में, जिस तरीके से प्यार मिला है, जनता का समर्थन मिला है, वो हमें याद है जब जिस तरीके से रैली करते हुए प्रचार प्रसार की इन्हीं गलियों से गुजरे थे प्रधानमंत्री मोदी, तो लोगों में एक जोश और उत्साह एक ललक रहती है प्रधानमंत्री को देखने की। और देखिए अब जब जीत का तोहफा दे दिया है काशीवासियों ने, तो ऐसे में प्रधानमंत्री दौरे पर आ रहे हैं। उनके 4 घंटे के दौरे में 3 जगहों पर कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है, उसका जायजा भी हमने, रिपोर्ट भी हमने आप तक पहुंचाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।